हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम मीटर की रेंज एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किसी भी मीटर की रेंज को हम किस प्रकार से एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है वो काफ़ी कम वैल्यू के करेंट या वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। ये PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट के हमने ड्रॉबैक में देखा था कि जो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये काफ़ी कम रेंज की वैल्यू को ही मेजर कर पाता है। ठीक है, यदि PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में PMMC टाइप एमीटर है तो वो मैक्सिमम 10 mA तक की करेंट को मेजर कर पाता है। यदि PMMC टाइप वोल्ट मीटर है तो ये अधिकतम 50 mV को ही मेजर कर पाता है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट का कम रेंज को मेजर करना एक उसका ड्रॉबैक होता है। PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट के रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर इन्हेंसमेंट ऑफ अमीटर, मीटर की रेंज को एक्सटेंड करना, मीटर की रेंज को बढ़ाना। ठीक है, हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेंज। ठीक है, यहाँ पर हम इसे सेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप नाम सुना होगा सेंट इन मल्टीप्लायर, तो इसी को ही, इसको एमीटर की रेंज को बढ़ाना सेंट बोला जाता है, और यदि हम वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करेंगे तो उस केस में हम उसको मल्टीप्लायर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनहेंसमेंट ऑफ अमीटर। तो यहाँ पर अमीटर की रेंज को बढ़ाना है, अमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो क्या करते हैं हम कि वी वांट टू इंक्रीज करंट। ठीक, कनेक्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद मीटर। यदि हमको अमीटर की रेंज को बढ़ाना है, इसका मतलब हमें करंट की रेंज को बढ़ाना है, करंट को अधिक मापने योग्य बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा, पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर करना होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में जो करंट डिवाइड हो जाती है, अधिक करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, अधिक करंट को मेजर किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हमने अमीटर लिया है। मान लीजिए कि हमने PMMC टाइप अमीटर या गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पर लिया है, जिसका रेजिस्टेंस RM है, मीटर रेजिस्टेंस RM। फिर उसमें से फ्लो होने वाली, मीटर में से फ्लो होने वाली करंट को हमने IM ले लिया, मीटर करंट। ठीक है, इसके अक्रॉस में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसको RSH, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और शंट रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट को ISH, शंट करंट कहा जाता है। इन चीज़ों को हमने ले लिया है। यहाँ पर मीटर के अक्रॉस में, मीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम RSH, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर टोटल करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जिसको हमें मेजर करना है, इसी करंट को हमें यहाँ पर मेजर करना होता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, तो उस केस में वोल्टेज इक्वल होता है। ठीक है, मतलब RSH के अक्रॉस जो, यहाँ पर आपको RSH के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो RM के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा। तो हम इनको दोनों के अक्रॉस, RSH के अक्रॉस वोल्टेज और RM मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। यहाँ पर आप वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर करंट और इसका रेजिस्टेंस, तो ISH इंटू RSH, तो आपको इसके क्रॉस यहाँ पर आपको वोल्टेज का मान मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसके क्रॉस वोल्टेज देखोगे तो इसमें फ्लो होने वाला करंट और इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस मीटर के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने दोनों को इक्वल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल कर दिया है, तो ISH इंटू RSH इक्वल्स टू IM, मीटर करंट इंटू मीटर रेजिस्टेंस RM। ठीक है, यहाँ से आप ISH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए, ISH इक्वल्स टू IM RM डिवाइड बाई RSH, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ से देखेंगे बाई KC
एल, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ से हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टोटल करंट है आई, तो ये इस नोड की ओर आ रहा है, तो इनकमिंग करंट आई हो गया और इससे आउटगोइंग करंट ISH और मीटर करंट IM हो गया। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो I इक्वल्स टू IM प्लस ISH, ओके। इसके बाद में आपको यहाँ से IM आप सेम लिख दीजिए और ISH की इस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ISH पे इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ISH इक्वल्स टू IM इंटू RM डिवाइड बाई RSH है, इस वैल्यू को ISH की जगह रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने IM को कॉमन ले लिया है, हम IM मीटर करंट को कॉमन ले लिया है, तो आपको यहाँ से मिल गया I इक्वल्स टू IM को इन कोष्टक 1 प्लस RM डिवाइड बाई RSH, ओके। इसके बाद में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो I डिवाइड बाई IM इक्वल्स टू 1 प्लस RM डिवाइड बाई RSH, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए जो हमारी ये जो वैल्यू है ये मापी जाने वाली वैल्यू है, मतलब जो जिस रेंज को हमें बढ़ाकर प्राप्त करना है, और ये आपकी मीटर की रेंज है, ठीक है, मतलब जो हमारा आई है ये डिजायर्ड वैल्यू है, डिजायर्ड रेंज है जो हमें प्राप्त करना है, और जो ये वैल्यू है ये एक्चुअल रेंज है मीटर की, ठीक है, मीटर की एक्चुअल रेंज, और ये मीटर की डिजायर्ड रेंज या प्राप्त करने वाली रेंज, इंक्रीज करने वाली रेंज है, ठीक है। हमेशा कोई भी यदि आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो दो वैल्यू जरूर दी होगी, एक एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल रेंज और एक डिजायर रेंज जो आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर मीटर बनाया है, अच्छा हमने यहाँ पर 10 एम्पियर लिया, इसको भी आप 10 एम्पियर कर लीजिए, यहाँ से आप इसको एक जीरो इसको हटा दीजिए, ठीक है, 10 मिली एम्पियर, और ये 10 एम्पियर तक मैक्सिमम मेजर कर सकता है। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में हमारा जो मीटर है, ठीक है, वो अधिकतम मीटर जो है वो अधिकतम 10 मिली एम्पियर को ही मेजर कर पा रहा था, लेकिन ये देखिए ये 10 मिली एम्पियर एक्चुअल मेजर कर रहा था, लेकिन डिजायर्ड जो रेंज है ये 10 एम्पियर है, हमें इस तरह से इसके रेंज को एक्सटेंड करना है कि ये अधिकतम 10 एम्पियर तक को मेजर कर सके, ठीक है। स्टार्टिंग में कितना कर रहा था 10 मिली एम्पियर, लेकिन हमको 10 एम्पियर के योग्य से बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1-2 मिली एम्पियर में दिया हुआ, हम इसको एम्पियर में 1 एम्पियर 2 एम्पियर से 10 एम्पियर तक कैलिब्रेट कर देंगे। तो इस तरह से डिजायर्ड रेंज के अकॉर्डिंग इसको कैलिब्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करना होता है, जो कि हमें ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को बताता है, आई डिवाइड बाई आई एम, मतलब डिजायर्ड रेंज डिवाइडेड बाई एक्चुअल रेंज। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जिसका यूज करके हम मीटर की रेंज को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, सभी को आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारे यहाँ पर दो वैल्यू है, न्यू रेंज, ठीक है, और ये ओल्ड रेंज, मतलब जो न्यू रेंज है ये डिजायर्ड रेंज है जिसे हमें प्राप्त करना है, और जो हमारा ओल्ड रेंज है ये हमारे मीटर की रेंज थी। तो I डिवाइड बाई आई एम हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, हमने इसको M से डिनोट कर दिया, M इक्वल्स टू I डिवाइड बाई आई एम, ओके। तो M क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखोगे I डिवाइड बाई हमने आई एम यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और I डिवाइड बाई आई एम इक्वल्स टू हमने M ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने वहाँ पर m वैल्यू पुट कर दिया, m वैल्यू पुट किए, यहाँ पर -1 था तो इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है, आप ध्यान दोगे हम यहाँ से लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो m -1 इक्वल्स टू आर एम डिवाइड बाई आर एस एच, ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ओके। यहाँ से आप देखोगे आर एस एच को आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m माइनस वन को आप आर एम के नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से लिख दीजिए, तो आर एस एच संट रेजिस्टेंस इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एम माइनस वन। एम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जिसकी वैल्यू होती है आई डिवाइड बाई आई एम, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हो। आप ध्यान दोगे कि जो हमारा अमीटर होता है, ठीक है,
ठीक है, जहाँ पर हम जो या कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यहाँ एमीटर के लिए, उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन वन, एक से इसका मान अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि हमें अधिक, यहाँ पर आप देखोगे ये वैल्यू अधिक है और ये कम है, मतलब कम रेंज से हमें अधिक रेंज की ओर बढ़ाना है, तो आप देखोगे हमेशा ये एक से अधिक होगा, जो एम का मान है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान है ये एक से अधिक होगा। हमें ये ध्यान देना है कि हम जो शंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, जितना ही कम होगी उतना ही हमारा करंट बाईपास कर जाएगा और उतनी ही वैल्यू को हमारा जो मीटर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के फॉर्म में हमको उतनी ही ज़्यादा रेंज की वैल्यू को करंट को मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि जो आर एस एच होता है ऑलवेज इज लेस देन इक्वल्स टू आर एम, ठीक है, लेस देन मतलब आर एम से काफ़ी कम इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर देखेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आ पी एम एम सी मीटर हैज मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड मेजर्स मैक्सिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। आपका 10 ओम का एक आपका मीटर है, पी एम एम सी टाइप मीटर है, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और वो अधिकतम 10 मिली एम्पियर को मेजर कर सकता है। फाइंड शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस फॉर मेजरिंग 100 मिली एम्पियर। स्टार्टिंग में ये 100 मिली 10 मिली एम्पियर को मेजर कर सकता था, लेकिन हमें इसको 100 मिली एम्पियर को मेजर करने के लिए हमें किस संट मल्टीप्लायर का या किस संट रेजिस्टेंस का उपयोग करें कि ये 100 मिली एम्पियर को मेजर कर सके। तो हमें इसके लिए संट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ये हमारा गिवन है जो मीटर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर गिवन है मीटर करेंट, ठीक है, जो एक्चुअल इसकी रेंज है और ये डिजायर्ड रेंज गिवन है, ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। यहाँ से आप आई डिवाइड बाई आई एम करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 10 आपको मिल गया, 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे आर एस एच इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूले को डिराइव किया है, आर एस एच इक्वल्स टू आर एम डिवाइड बाई एम माइनस 1 होता है। हम यहाँ पर ये वैल्यू एम की वैल्यू हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर यहाँ पर हमने एम की वैल्यू प्राप्त कर लिया, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है, और माइनस वन, तो 100 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 मतलब आपको 100 डिवाइड बाई 9, तो आपको यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 11.11 ओम का संट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा इसके 10 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर तक के करेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हो कि जो आपका मीटर रेजिस्टेंस है 100 है, लेकिन इससे काफ़ी कम है आपका संट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम हमेशा रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं और इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, ठीक है, मीटर रेजिस्टेंस से काफ़ी कम होती है, ओके। चलिए हम इस अब बात करेंगे इन्हेंसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। पी एम एम सी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने जैसा कि बात किया था कि ये अधिकतम कितनी रेंज को मेजर कर सकता है, ये अधिकतम वोल्टेज की, वोल्ट मीटर की बात की जाए तो ये अधिकतम पी एम एम सी टाइप वोल्ट मीटर जो होता है ये अधिकतम 50 मिली एम्पियर को, और जो मीटर होता है पी एम एम सी टाइप ये अधिकतम 10 मिली एम्पियर को मेजर कर सकता है। लेकिन हमको यहाँ पर रेंज को एक्सटेंड करना है, रेंज को बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हेंसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड करेंगे या एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर रेंज, ठीक है। तो देखेंगे आप, हम वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज की रेंज को बढ़ाने के लिए हमेशा सीरीज सर्किट का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ऐड होता है सीरीज सर्किट में या वोल्टेज डिवाइड होता है कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसको हमें मेजर करना है, इस वोल्टेज को, और यहाँ पर आपको करंट है मीटर करंट और ये है मीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि उसी को हमने बता दिया कि ये एक आपका मीटर है, इसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वी कनेक्ट आर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद मीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। एक मीटर रेजिस्टेंस है आर एम और दूसरा सीरीज रेजिस्टेंस जो कि अलग से इसमें कनेक्ट किया जाता है। वी एम वोल्टेज अक्रॉस मीटर रेजिस्टेंस एंड वी ओवरऑल वोल्टेज, ठीक है। वी एम क्या है, वी एम
वोल्टेज अक्रॉस मीटर रेजिस्टेंस एंड वी क्या है ओवरऑल टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे कि वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू क्या होगा आर एस सी के अक्रॉस। यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगा देंगे, यहाँ पर एक आपको रजिस्टर लगा देना है इसके सीरीज में मीटर के। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर हमने इसी चीज़ को किया है कि जो वी इक्वल्स टू आई एम आर एस सी प्लस आई एम आर एम। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा और जो आपको इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा वी एम इक्वल्स टू आई एम इंटू आर एम। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने दोनों को वी डिवाइड बाई वी एम कर दिया है, वी डिवाइड बाई वी एम, तो हमको आई एम आर एस सी प्लस आर एम मिल जाएगा डिवाइड बाई आई एम आर एम। यहाँ से दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा V डिवाइड बाई वी एम इक्वल्स टू आर एस सी प्लस आर एम डिवाइड बाई आर एम। ठीक है, तो जो V है वो डिजायर्ड रेंज है जो आपको प्राप्त करना है, और जो वी एम है ये एक्चुअल रेंज है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसके बाद में आप देखेंगे इसको अलग करेंगे आर एस सी अपॉन आर एम प्लस आर एम डिवाइड बाई आर एम, तो यहाँ से आर एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से आर एस सी डिवाइड बाई आर एम प्लस वन वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू एम। यहाँ पर जो एम है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो कि क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर न्यू रेंज डिवाइड बाई ओल्ड रेंज, या कह सकते हैं डिजायर्ड रेंज डिवाइड बाई एक्चुअल रेंज। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यू रेंज डिवाइड बाई ओल्ड रेंज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, या फिर डिजायर्ड रेंज डिवाइड बाई एक्चुअल रेंज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम। ओके, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू आपको मिल गई आर एस सी अपॉन आर एम प्लस वन इक्वल्स टू एम। तो यहाँ से आप इसको इधर राइट हैंड साइड तरफ आप इसको कर दोगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। और इस प्रकार से आर एस सी इक्वल्स टू आर एम इन कोष्टक एम माइनस वन। तो आप यहाँ से आर एस सी की वैल्यू, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको यहाँ से पता चल जाए किस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें कि हम उस मीटर को किस वैल्यू के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें कि हम उसकी एक एक्चुअल जो भी डिजायर्ड रेंज है उसको हम प्राप्त कर सकें, गेन कर सकें। ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान देना है जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है ये ऑलवेज एम इज ग्रेटर देन वन होता है। यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना है जो आर एस सी है, सीरीज रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम अधिक रखते हैं मीटर रेजिस्टेंस से। हमने मीटर में देखा था कि जो आर एस एस था, संट रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू काफ़ी कम रखते हैं, जबकि हम वोल्ट मीटर में रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए हम सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को अधिक रखते हैं मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। सभी क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में हम इससे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एक प्रॉब्लम्स इससे डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर की रेंज से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, पी एम एम सी मीटर हैज मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड मेजर्स मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट, फाइंड सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस फॉर मेजरिंग 100 मिली वोल्ट। आपका 5 मिली वोल्ट का पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट है जिसका मीटर रेजिस्टेंस 100 ओम है, आपको सीरीज मल्टीप्लायर सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि 100 मिली वोल्ट को मेजर कर सके। आप उसकी रेंज को इंक्रीज कीजिए, किस वैल्यू के रेजिस्टेंस को आप उसमें कनेक्ट करें कि आप उससे 100 मिली वोल्ट मेजर कर सकें। क्लियर है, तो यहाँ से आर एस सी को फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन है, मीटर रेजिस्टेंस, मीटर वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस मीटर एंड टोटल जो आपका वोल्टेज है ये गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये आपको डिजायर्ड है और ये आपको मीटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कह सकते हैं आपकी ओल्ड वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लायर निकालेंगे एम डिवाइड बाई न्यू वैल्यू डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू। तो यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आर एस सी इक्वल्स टू 100 कोष्टक में 10 माइनस 1, तो इस तरह से आपको 900 ओम मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हमें अधिक रेजिस्टेंस के
सीरीज रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो लेक्चर को एक बार दो बार देखें, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।